गुड मॉर्निंग इंडिया, कैसे हो आप सब लोग। जय श्री राम। आज सुबह हम निकल चुके हैं नडाल के लिए। एक ऐसा मंदिर बनाया है जय मातरे जी ने खोपोली पेन रोड पे, सॉरी खोपोली पनवेल रोड पे। ओके, तो हम वही जा रहे हैं। अभी चौक पास कर चुका है हमने, थोड़ी देर में हम नडाल पहुंच जाएंगे। और कुछ अच्छा मौसम है यहाँ, आज का बारिश नहीं है, तो कुछ प्लान नहीं बन रहा था, तो बोला आज नडाल ही चले जाते हैं। काफ़ी सुना है उसके बारे में। ये देखो, ये चौक आ चुके हम। चौक से थोड़ा आगे जाके ये नडाल है, जहाँ पे कुछ घूमने लायक ऐसा बनाया हुआ है भगवान के मंदिर से। पूरे काफ़ी सारे लोग वहाँ पे आते हैं, काफ़ी यूट्यूबर वहाँ पे आ चुके हैं, तो बोला आज हम भी जाके आ जाते हैं। पनवेल से भी पास में है, खोपोली से पास में है। जैसे आप चौक गाँव छोड़ते हो, चौक से थोड़ा आगे खालापुर चौक, खालापुर चौक से आगे आके ही वो आपको मिलेगा नडाल। तो देखते हैं, अभी हम वही जा रहे हैं। हम कुछ ऐसा नज़ारा है आज का सुबह का, पूरा ग्रीन ग्रीन है पूरा सब जगह का माहौल। काफ़ी दिनों से जाने का था लेकिन हम जा नहीं पाए। देखते हैं अभी आगे जाके आज कैसा होता है। आशा करता हूँ बारिश ना हो आज। बारिश जैसी आती है पूरा मज़ा किरकिरा हो जाता है, कहीं जा नहीं पाते। आज सुबह बारिश हो रही थी, मुझे लगा आज कुछ ब्लॉग होगा नहीं, लेकिन आज सुबह ही जैसे देखा तो धूप निकली हुई थी, तो बोला हमने अपनी धनों निकाली कि चलो बोला आज जाके आ ही जाते हैं। बोला आते समय आए तो कोई बात नहीं है, जाते समय बारिश नहीं होनी चाहिए। ये देखो अभी हम आ चुके हैं। जैसे आप खालापुर खोपोली से आते हो, तो खोपोली से आते हैं तो राइट साइड में है ये बोर्ड लगाया हुआ है पंचायत मंडल का, आप देख सकते हो। ये देखिए, जैसे आप चौक से आते हो खोपोली साइड से आते हो तो, और पनवेल से आते हो तो भी लेफ्ट साइड में है। चलो तो हम वही जाते हैं, ज़रा रास्ता क्रॉस करते हैं। तो जैसे ही आप पनवेल से आते हो या खोपोली से आते हो, यही पे है नडाल जाने का रास्ता। ये है श्रीराम ऑटो इंडिया लिमिटेड, उसी के बाजू से एक रास्ता जाता है छोटा सा, ये रास्ता आपको दिख रहा होगा। यहीं से आगे जाके नडाल का मंदिर है, तो अभी हम आपको बताते हैं आगे जाके। ज़्यादा दूर नहीं है पर पास में ही है। ओ, बारिश के वजह से रोडों की हालत कुछ खास नहीं है। वाओ, ऑसम, ओ माय गॉड, सब जगह 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 रोड पे स्विमिंग पूल बना हुआ है। देखिए यहाँ पे ग्रीनरी ग्रीनरी की। जैसे आप आगे आओगे एक आपको रेलवे का ब्रिज मिलेगा, तो उस रेलवे के ब्रिज के नीचे से आपको जाना है सीधा। ये देखिए आप ऊपर देख रहे हो ब्रिज है, ब्रिज के नीचे से आपको जाना है। जैसे ही आप ब्रिज क्रॉस करते हो, माय गॉड, जैसे ऑफ रोडिंग का मज़ा ले रहा हो आज बारिश में। जैसे ही आप ब्रिज क्रॉस करते हो, जैसे ही आप ब्रिज क्रॉस करते हो, आपको नडाल मंदिर का जो पंचायतन मंदिर है वहाँ का नज़ारा देखने को मिलेगा। देखिए, जैसे मैंने बोला था आपको, जैसे ही आप ब्रिज क्रॉस करते हो, जैसे ही उसी के आगे थोड़ा आगे आया कि लेफ्ट मारना है आपको, और ये आगे आपका पंचायतन मंदिर। ये है जय मातरे चैरिटेबल संस्था, उन्होंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। ये देखिए, इस गेट पे हम आ चुके हैं जय मातरे चैरिटेबल ट्रस्ट। ओके, सुस्वागतम लिखा हुआ है, यहाँ पे आ चुके हैं आज। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये एक रेलवे का ब्रिज है, उसके नीचे से आपको आना है। जैसे आप उसके नीचे से आते हो, लेप आगे थोड़ा ही आगे आके लेप मारना है, जहाँ पे आपको ये गेट दिखेगा, गेट से हम अंदर जाते हैं। और एक बात, यहाँ पे उनका स्कूल भी है, मतलब जय मातरे चैरिटेबल संस्था का उसका
हिमांशु दिलीप पाटिल इंग्लिश मीडियम स्कूल, वो भी यहीं पे है। जैसे आप सामने ये बिल्डिंग देख रहे हो वो वही है जो हिमांशु दिलीप पाटिल इंग्लिश मीडियम स्कूल वो है, जय मात्रे जी चैरिटेबल संस्थान की तरफ से। और मैंने जैसे आपको कहा था ये मंदिर दिखना चालू हो चुका है ऑलरेडी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। जैसे मैंने कहा था आज मैं आ चुका हूँ नडाल पंचायत मंदिर, जय मात्रे चैरिटेबल ट्रस्ट संस्थान, उन्हीं का ये स्कूल है। स्कूल का नाम है आप मेरे हिमांशु पाटिल दिलीप पाटिल इंग्लिश मीडियम स्कूल, ओके नडाल, जय मात्रे चैरिटेबल ट्रस्ट, ये उनका स्कूल है। जैसे स्कूल से थोड़ा आगे आते हैं ये आपको देखने को मिलेगा मंदिर, मंदिर के दर्शन आपको यहीं से देखना चालू हो चुका है। आज मैं काफ़ी जल्दी आ चुका हूँ इसके वजह से यहाँ पे कोई लोग नहीं दिख रहे हैं आपको। काफ़ी बढ़िया मंदिर बनाया हुआ है और स्पेस भी बढ़िया है। ये टू व्हीलर पार्किंग वहाँ पे है, फोर व्हीलर पार्किंग है, पूरी फोर व्हीलर पार्किंग है, स्कूल की बसेस है, ये पूरा जो कंपाउंड है ये पूरा जय मात्रे जी का है ट्रस्ट का पूरा, और अच्छा बनाया है खोपली के पास ही। अभी हम जा रहे हैं आगे, देखते हैं यहाँ पे भक्त निवास भी बनाए। जैसे आप कहीं दूर से आते हो तो आपको रहने के लिए भी यहाँ पे रूम बनाए हुए हैं, ये रूम से सारे मेरे ख्याल से भक्त निवास करके लिखा हुआ है, जो कोई भक्त दूर से आते हैं उन्हीं का है। यहाँ पे नो स्मोकिंग ड्रिंकिंग धूम्रपान निषेध है मध्यपान करने से। ये सारी फोर व्हीलर की पार्किंग है, ओके ये टू व्हीलर पार्किंग, ये साइड टू व्हीलर पार्किंग पूरी। जैसे मैंने कहा था कि काफ़ी दिनों से मैं आने की कोशिश कर रहा था, आप देख सकते हैं पूरा मंदिर का नज़ारा मेरे पीछे ही है सारा मंदिर, ये रहा पूरा। और आज काफ़ी दिनों बाद मैं आया हूँ यहाँ पे। चलो आज ये बताते हैं कुछ इस तरह कैसे है मंदिर। ये पंचायतन महाद्वार 13 मई 2022 को चालू हुआ है, कुछ इस तरह कैसे है। देखिए अंदर का नज़ारा, अभी जैसे कुछ हाथी यहाँ पे बने हुए हैं प्रवेश द्वार पे ही हाथी। जैसे ही अंदर आते हो आपको लेफ्ट साइड जाना है, ये है यहाँ का नज़ारा पंचायतन मंदिर, और ये है जय मात्रे चैरिटेबल ट्रस्ट का कौन कौन है वो। चलो अभी हम ऊपर जाते हैं, जैसे ही ऊपर आते हैं यहाँ पे आ चुका है दीपस्तंभ जहाँ पे दीप लगाते हैं, और वैसे ही ये आया है। अंदर आते ही आपको देखने को मिलेगा साईं बाबा जी का मंदिर। मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ मेरे पीछे वाले, आप देखिए ये हॉल है, यहाँ पे शादी ब्याह वगैरह कुछ करना, पार्टी जो बर्थडे वगैरह कुछ रहेगा, तो ये है मंदिर का कुछ नज़ारा। हम यहाँ से आए थे, ऐसे अंदर आते ही ये पार्किंग से सारी, ये स्कूल है, स्कूल से जैसे ही आगे आते गाड़ी वहाँ लगा के अंदर आ सकते ये स्टेप से। जैसे ही वहाँ से आप ऊपर आते हो ये आपको दीपस्तंभ दिखेगा, तो दीपस्तंभ के बाजू में ही है साईं बाबा मंदिर। देखिए साईं बाबा मंदिर, और आप साईं बाबा मंदिर को देख सकते हो साईं बाबा जी को। जैसे मैंने आपको कहा था साईं बाबा मंदिर काफ़ी खूबसूरत मंदिर यहाँ पे बनाया हुआ है, पूरा देख सकते हो। जैसे आप ऐसा लगता है कि आपको शिरडी आ चुके हैं, हम पूरा मंदिर देखिए काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है पूरा, देखिए आप जैसा लगता है शिरडी आ चुके हो। मेरे पीछे आप जैसे साईं बाबा जी, काफ़ी अच्छा लगा मुझे आज, क्योंकि आज मैं काफ़ी सुबह आ चुका हूँ
और यहाँ पे कोई नहीं है। मैं फर्स्ट ऐसा लग रहा हूँ कि मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। वो ब्लॉग बनाना था कि ज़्यादा भीड़ होती है तो ब्लॉग बनाने को मिलता नहीं है, तो चलो दर्शन कर लेते हैं फिर आगे मिलते हैं अपन। मुझे अभी एक बात पता चली है, जैसे आप लोग यहाँ आते हो नडाल मंदिर के लिए, जैसे साई बाबा मंदिर है, काफ़ी सारे मंदिर यहाँ पे बने हुए, गणेश मंदिर है, संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, तो यहाँ पे कुछ लोगों की वजह से यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मूर्तियों के ऊपर चढ़ चुके हैं, मूर्ति के पास जाते थे और मूर्तियों को हाथ लगाते थे। तो मेरे ख्याल से 8 दिन हो चुके हैं यहाँ पे कि मूर्ति के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, आप दूर से देख सकते हो उसे और भगवान का पैर पढ़ के आप निकल सकते हो, फ़ोन अलाउ नहीं है। आज बता देता हूँ, आप अगर कल भी आते हो, परसों आओगे वीडियो बनाने के लिए, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं है, बराबर ना सर? ओके थैंक यू। तो जैसे ही अब मैंने आपको कहा था कि लोग आते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता, इतना तो समझना चाहिए ना कि आप कहाँ पर आए हो, क्या करना है। जैसे मयूरज गणेश मंदिर है, अब जो साईवा मंदिर है उसी के बाजू में श्री गणेश मंदिर है। चलो अभी हम भी दूर से बताएंगे कि अंदर जाना मना है। ये देखिए दूसरा श्री गणेश मंदिर, मयूरेश गणेश मंदिर ये है, उसी के बाजू में है संकट मोचन मंदिर, जो हनुमान जी उन्हीं का मंदिर। काफ़ी खूबसूरत ऐसे जगह है ये, यहाँ पे मतलब पूरा अच्छे तरीके से बनाया हुआ है लोगों के लिए। और अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए फ़ोटो करने सकते मना, यहाँ पे फ़ोटो निकालना मना कर दिया है। पहले काफ़ी आपने रील देखे होंगे इंस्टाग्राम पे वगैरह, लेकिन लोग क्या करते थे, आते थे फ़ोटो निकालते, वीडियो निकालते थे, लेकिन लोग क्या करते थे, पूरे भगवान के पास जाते थे, उनको टच करते थे और उनके ऊपर जाके सेल्फी निकालने की कोशिश करते थे। तो ये सब जो भी यहाँ आएगा तो याद रखना कि यहाँ पे फ़ोटो निकालना मना है और फ़ोटोज निकाल नहीं सकते हो आप भगवान। हाँ बाहर से निकालिए, जो मंदिर है, मंदिर के बाहर है वहाँ पे अगर रहिए, दूर से देखिए, दूर से फ़ोटो निकालिए। जैसे मैं अभी बाहर खड़ा हूँ, मंदिर अंदर के बाजू में है, आप कर सकते हो, लेकिन आप अंदर जाके भगवान के यहाँ फ़ोटो नहीं निकाल सकते, ये याद रखना। नहीं तो कोई आएगा वीडियो बनाने के, काफ़ी दूर से आएगा, बोलेगा मैं दूर से आया हूँ ऐसा वैसा, तो वो बात यहाँ नहीं चलेगी। भगवान के यहाँ आ जाओ, भगवान के पैर पड़िए और चले जाइए। जैसे संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, उसी के जस्ट बाजू में आपको मिलेगा नाटालेश्वर महामहादेव मंदिर। बारिश नहीं है तो इसकी वजह से आज काफ़ी अच्छे तरीके से दर्शन हो रहा है। ये महादेव जी का मंदिर है, अंदर शिवलिंग है, अंदर नंदी जी है। यहाँ पे आपको भी बताता हूँ, काम चालू है, काफ़ी सुबह सुबह आ चुका हूँ मैं, भीड़ होती है तो भीड़ की वजह से मुझे कुछ मिलता नहीं है कुछ बोलने के लिए, तो आज आ चुका हो टाइम निकाल के। ये देखिए ये है नाटालेश्वर महादेव मंदिर, जस्ट उसी के बगल में है भवानी माता मंदिर। फिर से एक बार कह रहा हूँ, यहाँ पे फोटोज अंदर जाके निकालना मना है, आप बाहर निकाल सकते हो। कुछ लोगों ने काफ़ी यहाँ पे उड़दंग मचाया हुआ था, यूट्यूबर आए थे, कुछ लोग आए थे सेल्फीज निकालने के लिए, नया नया था मंदिर तो कुछ बोला नहीं था, लेकिन लोगों ने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। नटेश्वर मंदिर के बाजू में ये भवानी माता मंदिर, ये देखिए भवानी माता मंदिर, जो आप देख सकते हो माता जी जूम करके, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो कुछ ऐसा है यहाँ का माहौल, और सब मंदिर अपने घूम के हो चुके हैं। अभी आप देख सकते हो पूरा जैन मात्रे चैरिटेबल ट्रस्ट संस्थान, कुछ इस तरीके से गार्डन्स वगैरह भी हैं बैठने के लिए, अच्छा खासा बनाया हुआ है। पार्किंग की भी सुविधा है और यहाँ से आने जाने के लिए भी अच्छी खासी सुविधा है। ये है तुलसी, जस्ट सब मंदिर खत्म होने के बाद उसी के बाजू में कुछ कंपाउंड है, कंपाउंड से लग के ही सब ऐसे कुछ मूर्तियाँ बनाए हुए, कलाकृति बनाए हुए जो आप देख सकते हो मेरे सामने। ये साई बाबा जी, साई बाबा, उसके बाद है श्री व्यास महर्षि, गणपति गणपति जी को महाभारत बताते हुए, उसी के बाजू में है गणपति, शिव पार्वती, कार्तिकीय, पृथ्वी प्रदक्षिणा प्रसंग, उसी के बाजू में है सरस्वती माता, देख सकते हो हम।
उसी के बाजू में है काली माता। और उसी के बाजू में है गायत्री देवी माता। जैसे आगे आते हैं रावण का भाऊ देवान का खजिनदार कुबेर देव, जो कुबेर देव की मूर्ति है यहाँ पे। उसके बाद है समुद्र मंथन मोहिनी रूप देव अमृत कुंभ बांटते हुए। उसके बाद है भगवान शिव विष प्राशन करता ना, जो विष प्राशन किया था उन्होंने वो है। उसके बाद आगे आते हैं विष्णु, श्री विष्णु ब्रह्मदेव शिव सत्वंत करता ना, ओके, शंकर जी को शांत करते हुए। कुछ इस तरीके से मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। ओ यहाँ पे श्री पंचमुखी हनुमान, जय श्री राम। परशुराम जी भी है यहाँ पे, भगवान राम जी भी यहाँ पे। जैसे देख सकते हैं पूरी कलाकृतियाँ कैसे बनाई हुई है पूरी। लेकिन आप याद रखना यहाँ पे वीडियो फोटोग्राफी अलाउ नहीं है मंदिर के अंदर, आप बाहर से निकाल सकते हो, अंदर मना है, तो याद रखना ये बात। देखिए मंदिरों का नज़ारा, पूरा सारे मंदिर यहीं पे है, पूरा चारों पांचों मंदिर, पांच मंदिरों का ये है सारा, सारे मंदिर हैं आगे पीछे, आप देख सकते हो। फोटोग्राफी वीडियो का फिर अलाउ नहीं है। जैसे ही आप मंदिरों से वहाँ से आगे आते हो, वहीं से यहाँ आने के बाद भवानी माता मंदिर है, भवानी माता से जस्ट नीचे स्टेप्स है और उसी के बाजू में सारी कलाकृति बनाई हुई है, आप देख सकते हो। और वहीं से आगे जाके हॉल है, ओके, ये गार्डन है सारा। याद रखना यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउ नहीं है मंदिर के अंदर, जैसे मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, बाहर नहीं, बाहर आप निकाल सकते हो, भगवान के पास आप जा नहीं सकते हो, मंदिर के बाहर से दर्शन ले सकते हो, अंदर जा सकते हो, लेकिन फोटोज और वीडियो कॉपी नहीं लगे निकाल सकते हो, सेल्फी तो निकाल ही नहीं सकते हो। तो प्लीज़ यहाँ आने से पहले ये बात याद रखना, नहीं तो आप दूर से आओगे, पता चला कि आप वीडियो बनाना है, अंदर जाके लोगों के वीडियोस देख के आप आओगे, लेकिन आपको निकलने को नहीं देंगे यहाँ पे, तो ये बात याद रखना। कुछ इस तरह का नज़ारा है पीछे, देखिए पूरा पहाड़ी पहाड़ है, पूरा पहाड़ देखिए, बारिश की वजह से पूरा ये हो चुका है हरियाली। ये सारे मंदिर है यहाँ पे, पंचायतन मंदिर मेरे पीछे देख सकते हो सारे, ये चैरिटेबल ट्रस्ट का हॉल है। देखिए अभी हम पीछे बाजू जाते हैं, पीछे के बाजू आपको बताते हैं पूरा। और जैसे ही आप पीछे बाजू आते हैं, पीछे से कुछ इस तरह का नज़ारा है, आप देख सकते हो। देखिए भाई साहब, ऐसा आपने कभी देखा है मंदिर जो बाहर जाते ही हरियाली, पीछे खेती है, देखिए यहाँ पे खेती करते हैं किसान। मेरे ख्याल से ये जय मात्र जी का ही है, आगे सब उन्होंने किया हुआ है पीछे के बाजू। और जैसे मैंने कहा था ब्रिज जो जाता है, ये रेलवे ब्रिज है, ओके, जो कर्जत से आती है मालगाड़ी और पनवेल के ले जाती है। और जैसे मंदिर के पीछे बाजू आते हैं, तो वहाँ पे अपने बैठने के लिए भी कुछ जगह बनाई हुई है, आप देख सकते हो। यहाँ पे अच्छे फूल्स वगैरह है, यहाँ फूल वगैरह है, देखिए अच्छी खासी जगह है यहाँ पे, काफ़ी शांत है। मेरे ख्याल से मैं ऐसा हो कि मैं काफ़ी जल्दी आ चुका हूँ आज सुबह सुबह, क्योंकि शाम को आता हूँ तो शाम को कोई रहता पब्लिक इतनी रहती है कि आप यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं कर सकते हो। सुबह सुबह कैसा रहता है कि बारिश भी नहीं थी, तो बोलो आज सुबह उठ ही जाता हूँ और जाके आ जाता हूँ मंदिर। कुछ इस तरीके से माहौल है यहाँ का, शांत शांत, देखिए ये देखिए पूरा माहौल, देखिए पांच मंदिर बने हुए हैं यहाँ पे, पांचों मंदिर अद्भुत हैं। काफ़ी दिनों से मैं आना चाहता था कि आज जाऊँ वीडियो बनाऊँ वहाँ जाके, लेकिन आज बहुत दिनों बाद ये मेरा सपना था वो पूरा हो चुका है, सपना नहीं बोल सकते ऐसे, तो जाना था लेकिन आ नहीं पा रहा था किसी वजह से, तो आज मैं आ चुका हूँ और मेरे नज़र से आपको बता दिया है। और मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि यहाँ आइए, भगवान के पास आ रहे हो,
और आने के बाद आप भगवान के वहाँ जाके जिसे जो भगवान का जो बनाया हुआ है उसके ऊपर आप बैठते हो, वहाँ से सेल्फी निकालते हो भगवान का, वो भगवान है भाई साहब, आदमी नहीं है। अब उसकी सेल्फी नहीं निकाल सकते हो, दूर से फोटो निकाली ये अच्छा रहता है। आप लोगों से अपने हिंदू धर्म में ऐसा ही है, किसी भी मंदिर में ऐसा नहीं होता है, आपको समझना चाहिए। ओके, आगे से ये बात याद रखना, और अपने धर्म अच्छे बातें सिखाता है ना बुरी बातें। ओके, तो ये सेल्फी निकालना वगैरह ये सब बंद कर दीजिए और आइए यहाँ पे, अच्छे शांत जगह है, मोस्ट वेलकम। लेकिन भगवान के पास जाने की कोशिश मत कीजिए, सेल्फी निकालने की कोशिश मत कीजिए। ओके, इससे बुरा ये जाता है लोगों के लिए कि बाबा यहाँ पे आप जाते हो फोटो निकाल सकते हो, तो अच्छी बात नहीं है। ओके, तो चलो आज का ब्लॉग मैं यही समाप्त करता हूँ। श्री साईबा मंदिर जी नडाल, और सारे पांच मंदिर का हम दर्शन कर चुके, हल्की हल्की बारिश आनी चालू हो चुकी है। तो ये हॉल है बहुत बड़ा, पीछे का माहौल ये देखिए, सारा देख सकते हो हम। ओके चलो, तो बारिश आना चालू हो चुकी है, तो आई होप कि आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। जय श्री राम। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर। जैसे मैंने कहा था, अभी जैसे आप बाहर आते हो मंदिर से, कि ये बाजू में आप देख सकते हो मेरे बाजू में, ये है अंदर जहाँ पे कैंटीन बनी हुई है, जहाँ पे आप नाश्ता वगैरह चाय वगैरह पी सकते हो। ये देखिए कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छी जगह है, जहाँ पे मतलब पहाड़ वगैरह है, पहाड़ों में ये बनाया हुआ है सारा। ये देखिए ऊपर का व्यू, अभी हम ऊपर थे, ये रास्ता मेरे ख्याल से बारिश की वजह से बंद किया हुआ है, वो बाजू सीढ़ियों से नीचे आए हम। यहाँ से आप यहाँ से भी आ सकते हो, यहाँ से भी आ सकते हो, कोई बात नहीं है। ये ग्रंथालय बनाया हुआ है, जो किसी को बुक्स वगैरह पढ़ना है तो वहाँ के लिए। ये ऊपर पूरा वीडियो है, आप जूम करके देख सकते हो। देखिए ओके, जैसे हम सिक्योरिटी गार्ड ने हमें कहा कि यहाँ पे अंदर फोटो सेल्फी निकालना मना है। चलो फिर अभी अंदर जाके देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हो 13 मई श्री क्षेत्र पंचायत मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस है, जहाँ पे जिस दिन श्री गणेश जी गणेश जयंती पे, महाशिवरात्रि जी पे, हनुमान जयंती, नवरात्र, दशहरा, इन तीनों कुछ खास उत्सव यहाँ पे होते हैं। तो आप ज़रूर आने यहाँ पे। जैसे आप वहाँ से अंदर आते हो, ये आपको कुछ मिलेगा यहाँ पे नाश्ता। यहाँ पे भजी प्लेट है 20 रुपया, वड़ा पाव है 10 रुपया, पानी की बोतल है 1 लीटर की 10 रुपया, जो बाहर जाके 20 रुपये मिलती है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे डस्टबिन रखी हुई है, जहाँ पे आप जो भी खाते हो, नाश्ता करते हो, चाय चिक्का हो, कुछ भी हो, यहाँ डालना है, ये सबसे बड़ी बात है। चलो देखते हैं अभी। जैसे मैंने कहा था यहाँ पे ब्रेकफास्ट मिलता है, तो ब्रेकफास्ट में वड़ा पाव है, भजी है, तो उसमें सबसे बड़ी बात आपको पता नहीं होगी तो चाय फ्री मिलती है, चाय फ्री मिलती है। तो ये देखते हैं अभी हम नाश्ता करके फिर निकलते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि काफ़ी अच्छा मंदिर है और काफ़ी शांति है यहाँ पे, नाश्ते के नाश्ता करने की भी सुविधा है, चाय मिलती है, वड़ा पाव मिलता है, भजी प्लेट मिलती है, पानी की बोतल मिलती है, और चाय फ्री है, और क्या चाहिए आपको। ओके, तो चलो फिर अभी चाय ब्रेकफास्ट कर लेते और फिर हम निकल जाते हैं। ओके, और आज का ब्लॉग हम यही समाप्त करते हैं, और आखिरी बार फिर से हम एक बात कहना चाहते हैं सारे यूट्यूबरों को या लोगों को, कि यहाँ आने के बाद फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, अंदर जाके फोटोज निकालना मना है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, आप कहीं दूर से आ रहे होंगे तो ये बातें सोच के आना कि यहाँ पे अंदर जाके, बाहर से निकाल सकते हो, अंदर जाना मना है, सेल्फी वगैरह निकाल नहीं सकते हो। तो ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। जय श्री राम।